ये यथामाम प्रपद्यन्ते बस तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णिं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलिस्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते चातुर्वर्ण्यम् चत्वारः एव वर्णाः चातुर्वर्ण्यं मया ईश्वरेण सृष्टम् उत्पादितं ब्राह्मणस्य मुखम् आसीत इत्यादि श्रुतेः गुणकर्मविभागशो गुणविभागशः कर्मविभागशः च गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि तत्र सात्विकस्य सत्त्वप्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमो दमः तपः इत्यादीनि कर्माणि सत्त्वोपसर्जन रजः प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्यः तेजः प्रभृतीनि कर्माणि तमः उपसर्जन रजः प्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि रजः उपसर्जनः तमः प्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषा एव कर्म इति एवं गुणकर्मविभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् इत्यर्थः तदं तत् च इदं चातुर्वर्ण्यं न अन्येषु लोकेषु अतो मानुषे लोके इति विशेषणम् हन्त तर्हि चातुर्वर्ण्यं सर्गादिः कर्मणः कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे अतो न त्वं नित्यमुक्तो नित्येश्वर इति उच्यते यद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारमपि सन्तं मां परमार्थतो विद्धि अकर्तारम् अत एव अव्ययम् असंसारिणं च मां विद्धि येषां च कर्माणं कर्तारं मां मन्यसे परमार्थतः तेषाम् अकर्ता एव अहं यतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि मेरा तो ये वादा है कि जो मेरे पास जिस भाव से आता है मैं उस भाव को पुष्ट कर देता हूँ ये यथामाम प्रपद्यन्ते शत्रु भाव लेकर अगर कोई आता है तो मैं शत्रु भाव को पुष्ट कर देता हूँ मित्र भाव को लेकर आता है तो मैं मित्र भाव को पुष्ट करता हूँ शर्त ये है कि किस भाव को लेकर वो आता है तो आपने देखा होगा कंस का भाव अलग था तो उस भाव की पुष्टि की भगवान ने रावण जिस भाव को लेकर आया उस भाव की पुष्टि की
हो सकता है रावण वैरी मानता हो, राम अपनी तरफ से उसको वैरी नहीं मानते थे। तो ये सिद्धांत पुष्ट होता है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसा लेकर आया बोले तांस तथैव, मैं उसको वैसा ही वो भाव क्या करता हूं दे देता हूं। मन में प्रश्न आया कि फिर जब आप सबको दे देते हैं तो आपके पास सब लोग आते क्यों नहीं है? फिर सभी लोगों को फिर आपके ही पास क्या होना चाहिए, आना चाहिए, यदि आप पुष्ट कर देते हो तो, जैसा आप कह रहे हैं। भगवान ने उत्तर दिया, एक्चुअली में क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। जो जीव है वो आकांक्षा करते हुए कर्म को करता है ना? ये पंक्ति देखना, शत्रि प्रत्यय है, कंटिन्यूअस टेंस, आकांक्षतः, आकांक्षता मतलब आकांक्षा करते हुए वो क्या करता है, कर्म को करता है। तो अब वो मेरी पूजा नहीं करना चाहता, देखो जी क्यों, बोले यजंत इह देवता, वो देवताओं की थोड़ा क्या करता है, पूजा करता है, मेरी नहीं, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यहां माम प्रपद्यन्ते है, वहां क्या बोलता है, यजंत इह देवता, अंतर मिल रहे हैं। माम प्रपद्यन्ते, माम मतलब ईश्वर, याद आ रहा है आपको, इसको भी वेदांत की भाषा में बोला था, अंतःकरणाभिमानी और एक है अंतर्यामी। अंतःकरणाभिमानी की जैसी ही वृत्ति का उदय होता है, वह अंतर्यामी वैसी वृत्ति की पुष्टि करता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों ही पक्षी हैं, एक ही शरीर में रहते हैं, कौन, अंतःकरणाभिमानी और अंतर्यामी। इसी को भगवान बोलते हैं, आकांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, अब मुझे नहीं चाहता, माम न चाहती, किसको, बोले यजंत इह देवता, अब ये देवताओं की पूजा करता है। बोले क्यों हुआ ये, इसका दिमाग भटक क्यों गया, आखिर इसको हुआ क्या, ये आपके पास क्यों नहीं आया? बोले क्षिप्रम ही मानुषे लोके, ये इसकी पंक्ति है, सिद्धि भवती। यहां पर क्षिप्र मतलब बहुत जल्दी, क्विकली, क्षिप्रम भवती, बहुत ही जल्दी यहां पर सिद्धि मिल जाती है। कहां पर, बोले मानुषे लोके, मनुष्य लोक में। कौन सी सिद्धि भगवान, बोले सिद्धिर भवती, सिद्धि मिलती है, बोले किसकी, कर्म जा, जो कर्म से उत्पन्न होती है वह सिद्धि इस मनुष्य लोक में बहुत जल्दी मिलती है। देखना इसका इमेज सीक्वेंस आपके सामने ला रहा हूं, कहां से ये श्लोक आ गया चातुर्वर्ण्यम, अगर देखेंगे तो संगति नहीं मिलती कि कहां से जाति की बात कहां से आ गई। अभी आप प्रश्न उठाया कि आपने क्या बोला कि मनुष्य लोक में सिद्धि जल्दी मिल जाती है, अन्य लोक में नहीं मिलती क्या? नहीं, भगवान ने बोला अन्य लोकों में भी मिलती है, लेकिन अन्य लोकों की तुलना में यहां जल्दी मिलती है, इसलिए मैंने शब्द क्या बोला, क्षिप्रम, अंडरलाइन किया होगा आपने भाष्य, क्षिप्रम ही मानुषे लोके इति विशेषणात् अन्येषु अपि कर्म फल सिद्धिं दर्शयति। मिल गया, भगवान ये दिखाना चाहते हैं मनुष्य लोक में थोड़ा जल्दी सिद्धि मिलती है और लोकों में भी मिलती है। बोले मनुष्य लोक में सिद्धि जल्दी मिलती है, उसका कारण क्या है, आपके पास नहीं आते, सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि क्या है और सिद्धि क्यों मिलती है। अब प्रश्न का उत्तर दिया, सिद्धि क्यों मिलती है, मनुष्य मानुषे लोके, भाष्य देखिएगा अपना अपना, मिल गया है सबको, पेज नंबर 111 पे है लास्ट पैरा, मानुषे लोके वर्ण आश्रम आदि कर्माधिकार इति विशेष, ये इसकी लाइन है, जान
मानुषे लोके मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम का कर्माधिकार व्यक्ति को मिलता है। ये मतलब आप अन्य किसी लोकों में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? मनुष्य लोक में। तो मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम का कर्म का अधिकार है, विशेषतः तेषां वर्ण आश्रम अधिकारी कर्मणाम फलम सिद्धि। और ऐसे लोगों को जो वर्णाश्रम कर्म फल अधिकार से चलते हैं उनको बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। सिब्रम भवती। तो ये पकड़ में आया क्यों मिल जाती सिद्धि? क्योंकि यहाँ पर क्या बनाया गया है? वर्ण और आश्रम। अब प्रश्न उसने पूछा मानव अर्जुन ने, ये वर्ण आश्रम भगवान कहाँ से आ गया? आपने ये बात, मानुषे एव लोके वर्णाश्रम कर्माधिकारो न नीशु लोकेषु इति नियमः किं निमित्तः इति। मिला आपको? मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि कर्मों का अधिकार है क्या? ये अन्य लोकों में वर्णाश्रम नहीं है, तो यह नियम किस कारण से है? देखो मिला, ये भाष्य में ही आया है सब चीजें। अथवा वर्णाश्रम आदि विभाग से युक्त हुए मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं, ऐसा आपने कहा। सो नियम पूर्वक आपके ही मार्ग का अनुसरण क्यों करते हैं? दूसरे के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते? आ गया समझ में? ये दूसरे के वर्णाश्रम का अगर पालन करेंगे तो पहली बात इनको सिद्धि नहीं मिलेगी, दूसरी ये दूसरे की तरफ क्यों नहीं जाते? मनुष्य लोक में पहला ऐसा माना गया कि जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण का काम करता था ना। अब विषय क्या आ गया कि आपने ये वर्णाश्रम की बात छेड़ दी, ये क्या है वर्णाश्रम ये बताइए, कैसे सिद्धि मिलती है इसमें? अब ये विषय आया ना। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मया सृष्टम। जीव ने नहीं बनाया, शासन ने नहीं बनाया, पितरों ने नहीं बनाया, ये व्यवस्था नैसर्गिक रूप से मैंने दी है। देखो जी बहुत स्पष्ट विभाग है, चातुर्वर्ण्यम, चारों वर्ण। देखो यहां जो बात उठाई अब आश्रम की नहीं उठाई, क्या उठाई? वर्ण की उठाई। चातुर्वर्ण्यम स्पष्ट देखना, जब आपको कहीं ये इस पर डिस्कशन होता है कि जाति की बात किसने की, कहाँ से चालू हुई, तो पहला स्टार्टिंग होना चाहिए मया सृष्टम। मया सृष्टम मतलब मैंने की। कोई पूछ सकता है आपके करने का बेसिस क्या था? आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किस बेसिस पे बनाए? भगवान ने उत्तर दिया है, बेसिस गुण कर्म विभाग शह। मैंने इन चातुर चारों वर्णों की रचना का जो आधार लिया वो लिया गुण और वो लिया कर्म। मैं कहता हूं तस्य कर्ता हा माम अपि, मैं हूं उसका कर्ता। किसका? चातुर्वर्ण्यम का। लेकिन देखो वो आ गया 18वां श्लोक आपका, विधि मैं कर्ता होते हुए भी अव्यय हूं, विधि कर्तारम अव्ययम, ये पहली बात हुई थी। अब इस बात पे चर्चा कीजिए, क्या कहा जा रहा है? पहली बात, हमने वर्ण को एक शब्द, हमने चलतु भाषा में एक शब्द दे दिया, उसको दे दिया जाति। कायदे से विशिष्ट परंपरा से देखें, विद्वानों के मत से, जाति मतलब ये नहीं है जो हम बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति तो सिर्फ एक है, वह है मनुष्य जाति, बना ना। जाति तो सिर्फ एक है, वो एक जाति कौन है? मनुष्य जाति। वर्ण चार है,
वर्ण चार हैं, चातुर्वर्ण्यम। वर्ण मतलब क्या? हाँ, वर्ण मतलब ही क्या? एक तो वर्ण मतलब आपने रंग कहा, और हाँ ये तो बेसिस हो गया ना, वर्ण का जो आधार, क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो क्या हो गया? गुण और कर्म। नाउ मेन क्वेश्चन, ये वर्ण क्या है? हाँ, स्वभाव तो नहीं, इसी से तो आएगा स्वभाव बाद में। वर्ण होता है वो, ये वर्ण है। संस्कृत में वर्ण को जो परिभाषित किया गया उसी से पूरा खुलता है। वर्ण मतलब होता है, आज आपने उसमें भी पढ़ा होगा, अल्फाबेट में भी आप पढ़ते हैं वर्ण, वर्णमाला, उसमें भी आता है। नहीं, इसको परिभाषित किया गया जिस वर्ण्यते अनेन इति वर्ण, वर्ण्यते अनेन, जिससे वर्णन किया जाए वह चीज वर्ण है। परिभाषा क्या बनी? जिस चीज से वर्णन किया जा सके, वर्णन करने वाली चीज वर्ण है। हो गया? अब मनुष्य के व्यक्तित्व का वर्णन देखो आप कैसे करोगे? आप कितनी बातें बोलोगे व्यक्तित्व की? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की आप कितनी बातें बोलोगे? अब इतनी सारी है कि आदमी बोलते बोलते थक सकता है। तो किसी के व्यक्तित्व का जो वर्णन करना है, तो आपने बोल दिया ये व्यक्ति ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण कहने से सभी जो विशेषताएं थी वो उसमें क्या हो गई? मुझे दिख गई। तो पूरे व्यक्तित्व का वर्णन किससे हो गया? एक से, वो किससे? ब्राह्मण से। इसलिए ब्राह्मण को क्या बोला गया? वर्ण। क्षत्रिय, अब आप देखो जैसे ही आप बोलते हो क्षत्रिय, जैसे ही मैं बोलता हूं शूद्र, वैसे ही आपके मन में वर्णन होने लगा कि नहीं लगा? ये वर्णन किसने किया? शब्द ने। किसने? ब्राह्मण। इसलिए इनको क्या बोला गया? वर्ण। जिससे वर्णन किया जा सके उसको बोलते हैं वर्ण। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने वाली जो चीज है उसको बोलते हैं वर्ण। हो गया? चातुर्वर्ण्यम। बोले ये जो वर्ण हैं ये कितने हैं? बोले चार। मैंने चार भाग में बांटा है। बहुत ध्यान से देखना, कहीं भगवान ने जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया, और जो झगड़ा है, कॉन्ट्रोवर्सी है, वो किस पे है? वो जाति पे। और पंडित लोगों ने भी इसको चालू कर दिया, सबने क्या बोल दिया? जाति के आधार पर। और भगवान ने एक शब्द भी जाति के लिए यहां पर बोला ही नहीं। देखो जाति की बात भगवान ने एकदम नहीं की है, उन्होंने दो बातें बोली। मेरी नजर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का बंटवारा करने वाली जो चीज है वो दो है, एक है गुण, दूसरा है कर्म। ध्यान रखना बहुत सावधानी से, गुण मतलब विशेषताएं नहीं, गुण मतलब वैल्यूज नहीं, ये मत कह देना। गुण मतलब वैल्यूज नहीं, कैरेक्टरिस्टिक नहीं, गुण मतलब सत्व, रज और तम, बस इनके बेसिस पे। पहला ठीक है ना?
जो वर्ण है उसके क्लासिफिकेशन का जो आधार है, जो बेसिस है, वो है गुण. दैट गुण मीन्स सत्व, रज और तम. दूसरा बेसिस है कर्म, किस प्रकार का वो व्यक्ति कर्म करता है. विभागशः हो गई ये पाए. अब भाष्य देखिए. चातुर्वर्ण्यम चत्वारः एव वर्णाः. चातुर्वर्ण्यम, चार प्रकार के वर्ण हैं. चातुर्वर्ण्य मया, मया मतलब कोई क्या समझेगा, मैंने की. मैंने की मतलब किसने की, तो भाष्यकार लिखते हैं मया मतलब कोई और ना समझे, मया मतलब ईश्वरेण. भगवान बोलते हैं सृष्टम, तो भगवान ने, भाष्यकार ने सृष्टम का भी अर्थ दिया. देखो ये इसको बोलते हैं भाष्य पढ़ना है. सृष्टम मतलब उत्पादितम, मैंने ही इनका उत्पादन किया. एक एक शब्द मिल गया ना आपको. मया मतलब ईश्वरेण, सृष्टम मतलब उत्पादितम. अब बोले ये बात मैंने नहीं, श्रुति में भी आई है. क्या बोले हैं, कल जब आप पढ़ते ना पुरुषोत्तम पढ़ रहे थे, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, यहीं आया ना, हाँ, इत्यादि श्रुते ही, ये पुरुष सूक्त में आता है. ब्राह्मण, मैं तो अर्थ बता दे रहा हूँ, फिर बाद में इसका और विवरण करूँगा. ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण कहाँ है, बोले मुख में है. बाहु राजन्य कृत, जो क्षत्रिय है वो कहाँ है, बाहु में है. ऊरु तदस्य यद्वैश्य, जो वैश्य है उसका निवास कहाँ है, पेट में. और जो शूद्र है, पद्भ्यागम शूद्रो अजायत, जो शूद्र है वो कहाँ पर है, पैर में. तो अब आप क्या हुए, कौन सा नहीं है आपके पास, सोचो जरा. अगर आप कहते हो कि आप ब्राह्मण हो तो फिर पेट नहीं है आपके पास में. अगर पेट है तो बोले पेट महत्वपूर्ण नहीं है, तो पेट हटा लिया जाए. अच्छा, पेट ठीक है, पैर हटा लिया जाए. अब इस बेसिस पे आप सोचो, श्रुति के आधार पर आप ब्राह्मण कहलाओगे, क्षत्रिय कहलाओगे, कि वैश्य की शूद्र. मुख भी है, बाहु भी है, पेट भी है और पैर भी है. सोचो आप. श्रुति कहती है इसलिए कि जो झगड़ा हो रहा है ना, इसका बेसिस गलत है. आपके पास चारों हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. और अब मैं इसमें क्या दिखाऊंगा, 18वें अध्याय में आएगा. चारों व्यक्ति चारों बनता है. जब आप पूजा, जब अच्छे विचार को प्रकट कर रहे हैं, अच्छी बातें करते हैं, कहाँ से, तो आप क्या बन गए, ब्राह्मण. जब आपने अपनी रक्षा प्रारंभ की, जरा से देखो आपके ऊपर मक्खी बैठ जाए, है अपने आदमी मारता है कि नहीं मारता हाथ से अपने, क्या बन गया तुरंत, छत्री. वैश्य तो आपको वेल क्या बोल सकते हैं, सुबह से शाम तक आप पोहा खाओ और रात में भी खा लो 2 बजे उठ के. 24 घंटे व्यक्ति सोचता है किसके बारे में, तो वैश्य. शूद्र सेवा, तो आप सोचो जो प्रातः कर्म व्यक्ति अपना सब कर नित्य कर्म करता है वो किसका कर्म हो गया, शूद्र का. तो कौन सा बड़ा और छोटा का हो गया, तो इसको बोलते हैं ना फालतू की जबरदस्ती झगड़ा करना. भगवान ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. तो बट इस बात को पकड़ के रखना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने वाली चीज वर्ण है, उसकी पहचान तो होगी. कैसे करें, बहुत सारे गुण हैं, कितना बताएं. नहीं, बोले एक शब्द कह दिया जाता है ब्राह्मण, तो उससे सभी उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं
कहने वाला आदमी समझ गया कि ये ब्राह्मण हो गया, समझ में आ गया। अब बताओ ये कितना बड़ा सूत्र दिया ऋषि ने, अब ये तो प्रवचन बड़ा हो जाएगा। मैं तो आपको ये बोलूं कि सूत्र किसको कहोगे, सूत्र की सूत्र का सूत्र क्या होगा, इसको आप जब पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चे युवा लेख फॉर्मूला। फॉर्मूला का बेसिस क्या होगा कि आप मनचाहे फॉर्मूला बना सकते हो या फॉर्मूला बनाने का कोई बेसिस है। शास्त्र ने यह भी कहा कि यदि कोई सूत्र है तो सूत्र के पीछे भी चार चीजें होनी चाहिए। अल्पाक्षरम, सूत्र वह है जिसमें अल्प अक्षर होए, वह सूत्र है। पहला अल्पाक्षरम, अब अक्षर तो कम है लेकिन उससे भ्रम क्रिएट हो रहा है, यह भी हो जाता है कभी कम बोलने से कभी कभी भ्रम बन जाता है, तो इसलिए बोला गया अल्पाक्षरम असंदिग्धम। अब ये ब्रह्म सूत्र जब पढ़ाया जाता है तब पढ़ाया जाता है ब्रह्म सूत्र, तो सूत्र की परिभाषा ये दी गई अल्पाक्षरम, अल्पाक्षर होते हुए कहीं संदिग्ध ना हो जाए इसलिए क्या बोल दिया असंदिग्धम। लेकिन बोले उसका अर्थ कुछ ज्यादा नहीं मिलता है तो बोलते हैं सारवत कैसा होना चाहिए, बोलते गागर में सागर सार रूप में होना चाहिए, लेकिन विश्वतो मुखम, उसका मुख क्या होना चाहिए विश्वतो मुखम, उस शब्द की व्याख्या पूरी किताब में व्यक्ति कर सकता है क्या चीज पाके, एक चीज पाके, उसको बोलते हैं सूत्र। सूत्रम सूत्र विदो जनाः, ऐसी ये परिभाषा है किसकी, सूत्र की, इसलिए मैं कह रहा था। तो ब्राह्मण एक सूत्र है, ब्राह्मण कहने से पूरे विशेषताओं को प्रकट कर दिया, ठीक है। अब मन में ये पहला ही प्रश्न आता है क्या क्या प्रकट हो गया ब्राह्मण कहने से, ऑथेंटिक क्या है, अभी तो लोगों ने ब्राह्मण मतलब क्या समझा, आप पता नहीं कितने लोगों ने देखा कल उपनिषद गंगा में इस बात को डिस्कस किया, आपने देखा कितने लोगों ने देखा, चाहे वो सही सही बताएं, हाँ एक दो 20 मिनट का आता उसमें भी आधा देखेंगे, एक दो तीन, भैया उसको देखना चाहिए फालतू कितने 20 मिनट का ही तो आता है, 25 मिनट आधे घंटे का भी नहीं आया गया अब तो, 20 मिनट का है, 20 मिनट से ज़्यादा ही, उसकी सीडीज भी आ रही हैं अभी 3-4 दिन में यहाँ पे काउंटर पे अपने आश्रम में भी आ जाएंगे, आप देखना। आपने नाम सुना होगा पुंडरीक, महाराष्ट्र में तो मतलब पुंडरीक मतलब तो हर आदमी चिल्लाता रहता है वहां पे पुंडरीक गोस्वामी पुंडरीक वल्लभ मुझे भी उतनी कहानी उसकी नहीं पता क्योंकि मराठी एरिया था तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता था, बट जब कल देखो तो स्टार्टिंग कहां से की उन्होंने, उस एक गृहस्थ ने अपने एक पुत्र की शादी कर दी, पुत्र का विवाह कर दिया, तो अब उनको था कि वो जो पुत्र राम थे वो बार बार ससुराल चले जाते थे, उनकी वो जो पत्नी थी वो भी बार बार ससुराल मतलब अपने पिता के घर चली जाती थी, तो उसके पिता ने समझाया कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, तो बोलते हैं वो तो मुझे प्रेम करते हैं तो इसमें जाने में क्या दिक्कत है, आप क्या तर्क दोगे, इसका जो पिता है मेरी पत्नी का वो मुझे प्रेम करता है तो उसमें क्या दिक्कत है पिताजी, क्या बोलता पिता, तो बहुत ज्यादा नहीं बोला उसने, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा रहने लगा, फिर वो उसकी पत्नी भी ज्यादा उधर रहने लगी। अब ये सब तो हुआ, आप देखना बड़ा अच्छा कथानक दिखाया कैसे स्टार्टिंग की, बात ये पहुंच गई कि एक दिन घोड़ा ले आया, अब ब्राह्मण के घर पे घोड़ा दिखे तो आपको क्या लगेगा, हद हो गई, वो तो बहुत पंडित थे, तो उन्होंने उसको पहले कुछ प्रवचन देना रात में जैसे एक गृहस्थ होता है कि
वो पति पत्नी पुत्र और बहू बैठे, चर्चा प्रारंभ हुई, तो बोले तुम ये घोड़ा क्यों ले आए? घोड़ा ब्राह्मण के घर ले आए, तुमको शर्म नहीं आती? ब्राह्मण के घर पे घोड़ा बांध दिया, लाके गाय होती तो ठीक भी था, आया कहाँ से ये घोड़ा? तो बोले घोड़ा इसकी इसके पिताजी ने दिया। क्यों दिया? बोले इसको मायके और ससुराल आना जाना पड़ता है तो पैदल थक जाती है, इसलिए घोड़े पे चलेगी। इसका मतलब अब ये घोड़े पे चलेगी, तुम कहाँ चलोगे? तुम पैदल चलो, वो ऊपर चले। पहला जरा थॉट देखना, ये अच्छा लगेगा क्या? सोचना समाज में। दूसरा जो कमेंट किया गया, ये बात तो उसके पिता ने इग्नोर कर दी, मैं कहूंगा ज्यादा उसको इशू ही नहीं। मेन इशू ये था, उसके पिता ने बोला कि देखो अब मैं वृद्ध हुआ हूं, ब्राह्मण का जो कार्य है वो तुम करो। तो उस लड़के ने पलट के यही जवाब दिया, यही ब्राह्मण जो मैं विषय पे ला रहा था, जैसे आप घर घर पे आटा दाल चावल मांगने जाते हो भीख, यही ब्राह्मण का काम करने जाऊं मैं नहीं करूंगा ये ब्राह्मण का काम। देखो जी, मैं ये घर घर जाकर आटा दाल चावल बटोरने का काम ब्राह्मण का नहीं, ये भीख का काम है। हमारी नजर में भी ब्राह्मण कौन? जो टीका चंदन लगा के आ गया, थोड़ा भिक्षा विक्षा जिसने ना, आपने जिसको सीधा बोलते हैं हमारे, उसको सीधा निकाल दिया आपने, बोले व्यक्ति क्या है, ये ब्राह्मण नहीं है। इसकी परिभाषा मैं कल कह रहा था आपसे शायद कि पुरोहित जो शब्द है, पुरोहित का अर्थ होता है जो पहले ही हित बता दे उसको बोलते हैं पुरोहित। शब्द समझना पुरोहित का क्या अर्थ, और ये पुरोहित का कार्य था। हित मतलब समझते हैं हम हित, और पूरा मतलब पहले। आपके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके परिवार का हित क्या करता है पहले ही बता देता है, आपको ये करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ये शोभा देता है और ये काम शोभा नहीं देता है। जो इस हित को बताता था, पहले बताता था, उस व्यक्ति को बोला गया पुरोहित। देखो जी, हमको पुरोहित मतलब क्या लगता है? मतलब दुनिया महंगाई के उस पे चले गए, लेकिन अगर आप पंडित की दक्षिणा देनी होगी तो आपको समझ में क्या आता है? 1 रुपए 25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे, 11 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, इससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते। सोच नहीं है ना एक्चुअली में, समस्या वहां पे है, ये ब्लॉक्ड है। कभी सोच के देखना, कभी कभी तो मैं उल्टा कह देता हूं, वो बुरा लगता है। एक कार पार्किंग वाला भी अब 40-50 रुपए से कम, सोचो अब क्या ब्राह्मण उससे भी नीचे चला गया। फिर हमने कहा ब्राह्मण ने बड़ा छल प्रपंच चालू किया, क्यों ना करे? मैं उनको भी डांटता रहता हूं, 4 जगह सनिचर बना दिया उन्होंने काले रंग से। अब वो कहता है 4 जगह पैसे रखो आप, तो आप डर के कारण क्या करते हो? उसको पता है अगर मैंने 1 जगह रखवाया तो ये 1 ही रुपए रखेगा, 4 जगह रखेगा तो कितना रखेगा? कम से कम 4 रुपए तो रखे। तो उसने भी बहुत सारे केंद्र बना लिए, ये जहां जहां से आपसे पैसे क्या करता है वो। हालांकि ये गलत है, शास्त्र इसकी मान्यता नहीं देता, उचित कार्य नहीं है, सीधी सी बात ये। लेकिन जब मैं उन लोगों से मिलता हूं तो उनकी भी समस्या ये है कि मैं परिवार का पालन कैसे करूं, क्योंकि इनकी बुद्धि भी कहां पे अटकी? 1 रुपए 25 पैसे, 100 ग्राम चावल, 1 पुड़िया भर नमक, तो क्या इससे आपका घर चल सकता है? तो फिर उसका कैसे चलेगा? ये जो इसको आप जरा समझना, ये हमारा दिमाग इस चीज में क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। हम वह चीज करें, वह चीज दें जो मुझे अच्छी लगती है, और आपको लगता है कि मैं इसके योग्य हूं, दैट्स नॉट इनफ, तब समाज कहीं परिवर्तित होगा। आया ना, बेस में जाके आप देखना कि हम गड़बड़ कहां पे।
तो ये है पुरोहित जिसको मैं आपसे कह रहा था, और ये है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का अर्थ चंदन टीका माला नहीं है, वो तो वैश्य को भी कर सकता है, आपको बताऊं, वो शूद्र भी कर सकता है, करता ही है। बोले ब्राह्मण के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं? पहला, ध्यान रखना, फिर से विषय बयाना, गुण कर्म विभागश, इनके गुण क्या हैं, इनके कर्म क्या हैं, ये बताइए भगवान, तो पता लगे कि मैं क्या हूं। ध्यान रखना, ये हमको फैसला करना है कि मैं कौन हूं। भगवान कहते हैं चलो सुनो, गुण का अर्थ देख लेना, अंडरलाइन कर लेना, गुण मतलब कभी भी विशेषताएं मत समझना ब्राह्मण की विशेषताएं, ब्राह्मण का गुण नहीं, ब्राह्मण का गुण मतलब सत्व रज तम इति गुणा, चारों वर्णों में ये तीन जाएंगे, सत्व रज और तम, इस गुण की बात की जा रही है। ये बार बार बोल रहा हूं, जनरली प्रवचनकार कथाकार गुण कर्म विभागशः की व्याख्या, गुण मतलब फिर वो व्याख्या चालू कर देते हैं ब्राह्मण के ये नहीं कहा गया, गुण अलग है कर्म अलग है। अच्छा जी, गुणाः सत्व रजस तमांसी, सत्व रज और तम। पहला, तत्र सात्विकस्य, स्टार्ट किया भगवान ने, तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य, देखो जी कौन सा गुण प्रधान है। अब प्रधान कहने से ये अपने आप समझना चाहिए कि उसमें रज और तम भी है, ये मत कह देना तो जो व्याख्या होगी वो प्रायोगिक नहीं होगी आपकी। हर व्यक्ति में तीनों गुण हैं, कोई इस सृष्टि पे प्राणी नहीं है जिसमें ये तीनों गुण ना हुए, कौन कौन से, सत्व रज और तम। लेकिन अब बात आ रही है भगवान के शब्द देखना, सत्व प्रधानस्य, जिसमें सत्व गुण प्रधान है, तो पहला विभाग हो गया गुण कर्म विभाग समय, सत्व गुण प्रधानस्य विशेषता नहीं है, ध्यान रख लेना, कर्माणि, बहुत ध्यान से समझना, लगता सरल है, इतना सरल है नहीं, मैं यहां विशेषता की बात नहीं कर रहा हूं, गुणों की बात कर रहा हूं और कर्म की बात कर रहा हूं। गुण कौन सा हावी है उन पर, सत्व गुण प्रधानस्य, तो कर्म कौन से हैं उनके, ये विशेषता नहीं है, ये कर्म है, जिसको हम लोग अभी तक विशेषता समझ रहे हैं। भाष्यकार क्या बोलते हैं, शमो दमह तपह इति आदिनी कर्माणी, ये क्या है, उसके कर्म है। अभी कहां मिलेगा आपको, ये आधा दिया भगवान भाष्यकार ने, मैं आपको पूरा दिखा देता हूं, विवरण जब हो पाएगा तब करेंगे। 18वां अध्याय खोलिए, इसका 43वां श्लोक होगा मेरे ख्याल है, श्लोक तो पूरा देख ही लीजिए। मिल गया 42 श्लोक, मिल गया श्लोक, देखो आप क्या है, यही कोट किया भाष्यकार ने, वहां पे देखो पहले आप जहां पढ़ रहे थे वहां क्या लिखा है, शमो दमह तपह, मिल गया यही चीज, यहां पे क्या लिखी गई है, शमो, किताब है नहीं तीनों के पास, नहीं, मूर्धन्य विद्वानों, मूर्ख चुक चक्र पाणी लोग हैं ये सब, किताब पीछे से ले लो आलसी, एक तो किताब लाएंगे नहीं, ऊपर से रखी हो तो उसको भी नहीं ले रहे हैं। हाँ देखो क्या लिखा गया है, पूरा श्लोक देखो आप, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक देखो, शमो दमह तपह शौचम शांतिम आर्जम
ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मा। देखो जी, ब्रह्म मतलब ब्रह्म नहीं, ब्राह्मण। ये इसका क्या है? कर्म गुण नहीं। क्या लिखा गया है? कर्म। ये ब्राह्मण के कर्म है। मुझे कभी कभी चिंतन में लगता है कि अगर आप विशेषताएं कहते हैं तो हो सकता है परिस्थिति वशात विशेषताएं बदल सकती हैं। ऐसा मेरे चिंतन में ऐसा आता है, हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आने पर उसका जो स्वभाव हो जाए वो क्या हो जाए, तो आप कैसे पहचानोगे? वो उसमें कहीं एरर है अगर इससे किसी को ब्राह्मण की पहचान करने। लेकिन उसके कर्म से ब्राह्मण की पहचान की जा सकती है। वो कर्म इसलिए होने चाहिए, वो कर्म क्या है? शमः। अभी तो जब 18वां अध्याय तो मैं पढ़ाऊंगा आपको शमः। शमः मतलब हाँ, उसका जो इंद्रिय है वो सब क्या है? नियंत्रण। तो पहली बार नियंत्रण की शक्ति उसके पास है। क्या उनको? दो तरह नियंत्रण, मन पे नियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण। मतलब जब चाहे तो बाहर भी जा सकता है और जब चाहे तो अपने आप पे क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। ये इसमें शक्ति होनी चाहिए। शमः दमः। तीसरा तपः। तपः मतलब तपस्या। तो बहुत सह सकता है कौन? ब्राह्मण। सहना चाहिए तभी उसकी पूजा है। उसके जीवन में सहना होना ही चाहिए ब्राह्मण के जीवन में। तपः। शौचम। अब एक एक ऐसी ऐसी विशेषताएं मैं आपको बताऊं, दिव्य हैं सब। मौका मिलेगा और पढ़ा पाए इतना तो मैं पढ़ाऊं। ये सब एक एक विशेषताएं अपने आप में जीवन बदल देने वाली हैं। शौचम। शौचम मतलब पवित्रता रहती है उसमें। इतना मतलब ये कि अगर वो संध्या करता है तो स्नान करता है दो बार तीन बार, तो अपने आप को पवित्र करके, तो चंदन भी लगा के रखता है, तो गंगा जल भी पीता रहता है, तो आंतरिक एक हो गया बाहरी। उसके पास बैठने से आपका जो चित्त है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। इसको बोलते पवित्र। पवित्र शब्द यही है। पवित्रता मतलब समझना, पवित्रता मतलब ये है कि जो भाव आपको ऊपर की ओर ले जाए उसको बोलते हैं पवित्र भाव। पवित्र व्यक्ति आपके पास बैठती है, आपका भी मन क्या होने लगता है? ऊपर की ओर जाने लगे, अच्छी हो तो आप समझना वो पवित्र है। शांति। शांति मतलब शांति। बहुत चीजों में उसके शांति दिखती है, उसके व्यक्तित्व में, उसकी बॉडी लैंग्वेज से शांत होना चाहिए। आर्जम। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऋजु नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल व्यक्तित्व होना चाहिए। ज्ञानम विज्ञानम। देखो जी, ज्ञान और विज्ञान उसके पास होना चाहिए। किसके पास? ब्राह्मण के पास। आस्तिक्यम। आस्तिकता की तो क्या बात की जाए, बहुत विश्वास करता है इसमें। यही नहीं, ब्रह्म कर्म स्वभाव, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? ब्राह्मण। ये इसके कर्म है। हो गया ना? अब कभी डिटेल और देखेंगे, लेकिन अभी तो आप इतना समझ जाइए। बोले जिस व्यक्ति में सत्व गुण हावी है, ऐसा कर्म करता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? ब्राह्मण। यही नहीं, जरा दूसरा देखना आप क्या, कल देखेंगे आगे भी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री।